अबे कंट्रोल यार, बहुत पीली है। अगर मैट्रिन को पता चला ना तो अपनी मजा सजा में बदल जाएगी। सच बोल रही है, और वैसे भी यार 12 बज गए। देखो तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं बाद में आऊंगी। बाय। मेट्रिन का सब मेन गेट बंद करने का सिस्टम ही गलत है। शिट, क्या करूं? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। देखो मुझे ना अब ऐसे चुप चुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को डिवोर्स दो ताकि हम लोग शादी कर सकें। लगता है कोई आ रहा है। अगर रमोला मैम हुई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। तुम एक काम करो, जल्दी से भागो यहाँ से। तीसरी लाश मिली और तीनों लाशें लेडीज हॉस्टल के कंपाउंड में पाई गई हैं। साहब, ये लाश के पास लड़के के कुछ कटे हुए बाल भी मिले। ऐसा लगता है कातिल ने कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की होगी। और इस लाश की पोजीशन भी वैसी ही है जैसे पिछली दोनों लाशों की थी। इसके भी दोनों हाथ जोड़ के रखे गए हैं। अनवेश जी सर, पिछली बार की तरह तुम पी के सो रहे थे या फिर कुछ देखा या कुछ सुना? अब मैं ड्यूटी पे नहीं पीता सर, लेकिन मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी थी सर, जैसे इलेक्ट्रिक के स्पार्क उड़ रहे हों, और मैंने एक रोशनी देखी। मैं भागा सर, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो माया मैम साहब की लाश पड़ी थी। हाँ इंस्पेक्टर, कल मैंने भी अपने कमरे के खिड़की से कुछ लाइट्स के फ्लैशेस देखे थे। सर मैं कब से कह रही हूँ कि ये किसी डायन का काम है।
उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं। मैं इन लड़कियों को बार बार कहती हूँ कि हॉस्टल के रूल ना तोड़े। डिसिप्लिन रखें और 10 बजे से पहले हॉस्टल में वापस आ जाएं। लेकिन ये लड़कियां देर रात छुप कर वापस आ रही थी ताकि कोई देखने ना पाए, और उसका नतीजा क्या हुआ? इन तीनों के खून हो। रमोला जी, इन तीनों की हत्याएं कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आता, ना कोई मर्डर वेपन ना कुछ और। आपने जो करना है जल्दी कीजिए, इससे पहले कि किसी और हॉस्टल की लड़की पर हमला हो जाए। आप ये केस सॉल्व कर दीजिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है मौत। आप ठीक तो है ना मैडम? नम्रता, क्या हुआ तुम्हें? उठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं उसके जंगल से भाग निकली। किसके जंगल से? नम्रता, तुम्हें पता है कितना टेंशन है, फिर भी तुम लेट आई हो। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब तो वहां कंपाउंड में थी ना? मैं कंपाउंड में थी? क्या पक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने इनका बहुत भयानक रूप देखा। लाल आंखें, खुले बाल और हाथों से करंट आ रहा था, और आपने मुझे मारने की कोशिश की। आपके पास जरूर कोई सुपरनेचुरल पावर्स है। नम्रता जी सच कह रही हैं। आप मैडम, आप हवा में उड़ रही थी। व्हाट नॉनसेंस, मैं अपने क्वार्टर में थी। झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद आपको वहाँ कंपाउंड में देखा और आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो बच गई, लेकिन अंजू, श्रुति और माया, उनको आप ही ने मारा है। गर्ल, प्लीज कॉल द पुलिस। आपके पतिदेव का मानना है कि आप निर्दोष हैं। जी हाँ, मैं निर्दोष हूँ। और क्यों हुआ? क्यों इस बात पर हम विश्वास करें? क्या आप सुपर नेचुरल पावर्स में विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं भी नहीं रखती। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव हीलनार से हूँ, और वहाँ पर आए दिन ब्लैक मैजिक, सुपर नेचुरल पावर्स और विचक्राफ्ट जैसी चीजों की प्रैक्टिस होती रहती है। कई लोगों में भूत प्रेत का साया है, ऐसा कहकर उन मासूम लोगों की जान ली जाती है। मैं उस अंधश्रद्धा को मिटाने का अभियान चलाती हूँ। एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि आप सत्य कह रही हैं रमोला जी, प्रश्न उठता है कि उस हॉस्टल की छात्राओं ने आप पर यह आरोप क्यों लगाया? मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और जो भी कोई हॉस्टल के रूल तोड़ता है मैं उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती हूँ। शायद इसीलिए सारी लड़कियां मुझसे नफरत करती हैं। मैं थोड़ी अजीब हूँ, थोड़ी सनकी भी हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती, और ना ही मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। हाँ वो तो है, अगर होते तो आप यूं यहाँ कारागार में बंदी नहीं होती, उजल हो गई होती। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, समय रात को 11:30 के बाद, श्रुति, अंजू और माया, इन तीन लड़कियों की मौत हुई। तीनों लड़कियां SVPD लेडीज हॉस्टल में रहती थी। क्या इसके अलावा इन तीनों लड़कियों में और कुछ कॉमन था इंस्पेक्टर दवे? तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। तीनों के बाल भी लंबे थे, लेकिन उनके बाल कतरे गए थे, और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तीनों ने शराब भी पी रखी थी। तीनों की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई थी, और तीनों की गर्दन के पीछे इलेक्ट्रिक शॉक का माप भी था। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों की लाशों के हाथ जुड़े हुए थे, मानो वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही। इन शॉर्ट, इन तीनों लड़कियों ने
मेट्रन रमोला महाजन के बनाए रूल्स को तोड़ा था। बार बार वार्निंग देने के बाद भी कई बार ये रूल्स को तोड़ती रही थी। योर ऑनर, रमोला जी इज एन ऑब्सेसिव डिसिप्लिन फ्रीक। इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसीलिए इन्होंने उन तीनों लड़कियों को मार डाला। योर ऑनर, जिन तीनों लड़कियों की हत्या की गई, इन हत्याओं में जो समानता है वो इस ओर संकेत देता है कि तीनों की हत्या एक ही व्यक्ति ने की है। ये व्यक्ति योर ऑनर जो एक अनुक्रमानिक हत्यारा सीरियल किलर है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हत्यारे की हत्या करने की पद्धति, हत्या का शस्त्र और हत्या का शिकार चुनने का एक सांचा, एक ढांचा होता है योर ऑनर, जिसके अंतर्गत वो हत्या करता है। उसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है योर ऑनर, वो हिला हुआ होता है। बिल्कुल ठीक कहा पाठक साहब आपने। अरे रमोला जी मेंटली बियर्ड ही तो है, पेरिस है। हॉस्टल की लड़कियों को टॉर्चर करना इन्हें अच्छा लगता है और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मिस कविता को डॉक में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। रमोना मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग अल्कोहल और लाउड म्यूजिक, इस सब से उन्हें सख्त नफरत है। और अंजू, माया और श्रुति को ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और एक बार जब उन लोगों ने एक छोटा सा प्रैंक खेला तो रमोना मैम ने। तुम लोगों को प्रैंक खेलने में बहुत मजा आता है ना? मैम हम लाइफ में बस एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैम आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ करती हूँ। ये लो चॉकलेट खाओ। वो एक फन गैजेट था, उसको छूने से हल्का सा करंट लगता है। मैं उनको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई खुद पर प्रैंक खेले तो कैसा फील होता है। अच्छा, उस रात माया जब रिक्रिएशन सेंटर में छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तब आपने क्या किया था? ओ, तो रिक्रिएशन रूम में ये सब चल रहा है। लेकिन मैम मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दी थी ना? मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, रूल्स आर रूल्स। जाओ लाइट बंद करो और जाओ अपने कमरे में। ओके मैम। उस कमरे की अर्थिंग फॉल्टी थी। दूसरे दिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक भी करवाई थी। अर्थिंग की प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपनी दिमागी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की भी जरूरत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदय, काल्पनिक घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आप अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। I just want 5 minutes to say what I want to say। आप खटघरे में आके कहिए जो कुछ भी कहना है। मेरा नाम डॉक्टर डिसूजा है और मैं वर्ल्ड पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप की मेंबर हूँ। दुनिया में जब भी कोई सुपरनैचुरल पावर, स्पिरिट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं। आपके रिसर्च और एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चला ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं होती हैं? जरूर होती हैं। हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने कई बार इससे भी ज्यादा अजीब केसेस सुने हैं और एक्सपीरियंस किए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्षमा चाहता हूँ, आपका निरादर नहीं करना चाहता। मैं केवल अपनी स्वयं जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एक सामान्य साधारण व्यक्ति में ऐसे अद्भुत शक्तियाँ होना, क्या ये संभव? संभव है। इनफैक्ट रशिया में एक लड़की थी जो पोजेस्ट हुई थी। वहाँ पर रिसर्च करने गई तो पोजेस्ट लड़की ने मुझ पर भी हमला कर दिया था। रमोना जी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी और इसकी वजह है ये बुक्स इनके क्वार्टर से मिली है। ये विचक्राफ्ट और सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में लिखी गई बुक्स हैं। योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि रमोना जी एक एनजीओ के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियाँ, ये जो काला तंत्र होता है योर ऑनर, ऐसी विधियों के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। इन पुस्तकों का इस्तेमाल ये केवल अपने ज्ञान के लिए और अपने प्रयोगों के लिए करती है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, बल्कि इन बुक्स को स्टडी करने की वजह से इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया और ये खुद को एक शॉक इमिट करने वाली डायन समझने लगी। डायन का गेटअप करने लगी और लड़कियों को मारने लगी। मेरे पास इसके विटनेसेस हैं जिन्होंने इन्हें डायन के अवतार में देखा।
15 नवंबर की रात को तकरीबन 12 बजे जब मैं हॉस्टल की दीवार कूदकर घुसी थी तब मैंने देखा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। वो रमोला मैम ही थी जो मुझे मारना चाहती थी। सर उस दिन जब नम्रता मैडम पे हमला हुआ था तो मैंने सर एक अजीब सी आवाज सुनी और एक अजीब सी रोशनी देखी। मैं फौरन उस ओर भागा सर। मैं जब वहां पर पहुंचा तब मैंने रामोला मैम को एकदम भयानक रूप में देखा। सर इनके शरीर के आसपास बिजली मंडरा रही थी और सर इनके हाथ से भी बिजली निकलकर नम्रता मैडम की ओर जा रही थी। नम्रता मैडम तो वहां से भाग गई और फिर अचानक रामोला मैम भी गायब हो गई। सर सर मुझे इंसोमेनिया है और जिसकी वजह से मुझे रात को लेट नींद आती और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं हॉस्टल के कॉरिडोर में टहल रही होती थी मैंने रमोला मैम के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आते हुए सुनी। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा। एक्सक्यूज मी राणा, मैं एविडेंस केडी सर को देना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। योर ऑनर, डायन की पोशाक विग इत्यादि कमल जी आपके कक्ष से प्राप्त हुआ। ये कुछ समझा सकती हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी आपको? सर ये तो बस ऐसे ही है सर, टाइम पास करने के लिए। सर हॉस्टल में लड़कियों को डराने के लिए सर मैं कभी कभी डायन के कॉस्ट्यूम पहन लेती थी। जस्ट अ प्रैंक। जो आप कार्य करती थी हॉस्टल में, दूसरी लड़कियों को डराना, उन्हें भयभीत करना, दबंगगिरी करना इत्यादि इत्यादि, इसके लिए अनेक बार आपको रमोना जी ने दंडित किया। आपके मन में उनके प्रति घृणा तो थी, क्रोध तो था ही। ये जो कुछ फिर चित्र भी प्राप्त हुए हैं आपके कक्ष से रमोना जी के मुख के, हाँ तो ये क्या क्यों 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 खींचे थे? सर सर आप एक बार खुद सोचो कि अगर मुझे मेट्रन मैम से बदला लेना था तो उसके लिए मैं तीन और खून क्यों करती? अंजू, श्रुति, माया, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। योर ऑनर, इसका एक दूसरा पहलू भी, मैं चाहता हूँ कि एक बार इन वस्तुओं को आप जांचें। ये जो स्थिर चित्र हैं रमोना जी के, इनके आकार प्रकार कुछ ऐसे हैं योर ऑनर के, इन्हें काट कर मुखौटा बनाया जा सकता है। तो अब ये संभावना पैदा होती है कमल जी की, कहीं आपने रमोना जी के चित्र का मुखौटा बनाकर, फिर उस पर विग पहनकर, फिर उस डायन का पोशाक को धारण करके आपने ये हत्याएं की हो, और कि घेरा था वहाँ, रोशनी की कमी थी, तो मुखौटे के वास्तविकता को लोगों ने पहचाना ना हो, ठीक से देखा ना हो, और आरोप आपने उनके सर मन एक 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 काम करते हैं, क्यों ना नम्रता जी को यहाँ बुलाकर उनसे पूछें, आपको आपत्ति तो नहीं होगी? हाँ ठीक। कमल हॉस्टल की सबसे बड़ी बुली है, लड़कियों पर दादागिरी करना, डराना, धमकाना, उसको यही सब अच्छा लगता था। हेलो एक्सक्यूज मी, हम भी लाइन में खड़े हैं। मेरे आगे ज्यादा बोलना नहीं, समझी? और वैसे भी मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ ना, लाइन वहीं से शुरू होती है, और अगर मेरे आगे ज्यादा बोला तो मेट्रेन के आगे तेरी सारी पोल खोल दूंगी, समझी? मगर अंजू, श्रुति, माया और मैं, हम लोग उसकी दादागिरी से डरते नहीं थे बल्कि उसी को सबक सिखाते थे। खुजली पाउडर, इन लड़कियों का काम है, आई एम श्योर। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको, परेशान कर दिया इन्होंने, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। और जल्दी है ना तुझे बाथरूम जाने के लिए, अब जा। ये मतलब आप हॉस्टल की हर लड़की को बुली करती थी, किंतु
ये तीनों को आप बुली नहीं कर पाती थी, वो आपको बुली करते थे, सबक सिखाते थे। तो अब तो मेरा जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया कि आपने वो धारण किया, चंडी का पोशाक आपने स्थिर चित्र लगाया, मुखौटा बना के अपने चेहरे पर आपने तीनों की हत्या की, एक बाण से दो शिकार आपने, जो आपको तंग करते उनकी हत्या भी करती है, उस आरोप में बेचारी रमोना जी को आपने फंसा दिया। नहीं नहीं सर, आप मेरा यकीन करिए, ऐसा कुछ नहीं। और सर आप जिन फोटोज की बात कर रहे हैं वो तो सर बस ऐसे ही सर मैं उन पे डांट मारने के लिए रखा था ताकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डांट नहीं, अभी अभी कुछ नहीं, ये हत्या आपने की है बस। एक मिनट पाठक साहब, एक मिनट, क्या आपका कहना यह है कि ये सारे खून एक आम इंसान ने किए? जी नहीं, मेरा कहना ये है कि जो तीन हत्याएं हुई हैं वो कमल ने की, और कमल तो साधारण सी महिला है, इन्होंने की है तो साधारण व्यक्ति ने की है। हाँ, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स तो नहीं होते ना पाठक साहब, और अगर किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स नहीं होते तो कोई पावरफुल वेपन होना चाहिए, है कि नहीं? अब बिल्कुल बिल्कुल उचित बात आपने कही है योर ऑनर। मैं तो कतई मानने को राजी नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार से सरगांवकर साहब ने कहा किसी प्रकार के शस्त्र का उपयोग किया गया होगा, और अगर आप मुझे थोड़ा सा समय प्रदान करें तो इस बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। ईडी, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ, ट्राई एंड फाइंड द मर्डरर, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कल रात कविता राठौर की भी हत्या कर दी। जिस प्रकार से श्रुति, अंजू और माया की हत्या की गई, उसी भांति कविता के लंबे लंबे बाल भी कतरे गए थे, कविता के हाथ भी जोड़े गए थे। योर ऑनर, इस हत्या में केवल एक ही असमानता थी, वो ये कि इस बार रमोना जी हॉस्टल में नहीं, कारागार में बंदी थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर की हत्यारिन रमोना जी नहीं, हत्यारा कोई और है। नहीं योर ऑनर, सीरियल किलिंग्स किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ रमोना महाजन जी ने ही की है। अभी भी आप यही कह रहे हैं तो आपके इस कथन का कोई तो आधार होगा। देखिए पारे साहब, कविता जी की मौत रात के करीबन 12:30 बजे हुई थी, राइट? उस वक्त ये अपने सेल में क्या कर रही थी ये हमें इंस्पेक्टर दवे बताएंगे। मैं अपने यूजुअल राउंड अप पे था और मैंने देखा कि योर ऑनर, हो सकता है कि ये विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही थी। योर ऑनर, कोई तंत्र विद्या नहीं कर रही थी रमोना जी, वास्तव में इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था। पिछले 1 वर्ष से योर ऑनर, इस मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार
इस रोग के लिए इनकी चिकित्सा की जा रही है, दवा दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मन विचलित होने के कारण ये अपनी दवा लेना भूल गए, जिसके कारण इनके रोग का पुनर्वतन हुआ। अच्छा, तो पाठक साहब ये बताइए कि आखिर ये खून किए किसने? योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपकी अनुमति हो तो मैं हॉस्टल के सुरक्षा कर्मी अनवेश को कटघरे में बुलाऊं। तो ये बताइए अनवेश जी की जिस छात्रा को आपने देखा था, नाम क्या है उनका? जी, प्राची पांडे। प्राची पांडे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक से निवेदन करूं कि हत्या का शस्त्र अदालत में है। अनुमति। योर ऑनर, ये है हत्या का शस्त्र, 440 वोल्ट का पोर्टेबल जनरेटर। इस पर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार प्राची की उंगलियों के छाप पाए। केवल इतना ही नहीं, मृत कविता राठौर के देह के पास जो रुमाल पाया गया था, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार इस पर प्राची के लहू के अंश पाए गए। डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। प्राची, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? बचने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर आखिर में पकड़ी ही गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। वो चार, श्रुति, अंजू, माया और कविता, उन चारों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। और किस लिए? क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जैसे चारों के लिए मैं एक पंचिंग बैग ही बन गई थी। कभी मुझे चिढ़ाते, कभी मजाक उड़ाते, कभी इंसल्ट करते, जैसे ह्यूमिलिएट करना तो उनकी आदत बन गई। और इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि वंस एंड फॉर ऑल मैं भी उन्हें दिखाऊं कि मुझ में कितनी पावर है। जनरेटर के पावर से 440 वोल्ट लेकर उनको स्पॉट पे ही मार सकता हूं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने किसी के आने की आवाज सुनी और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जनरेटर लेकर गई तो पकड़ी जाऊंगी, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जनरेटर को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। और जैसे ही भाग निकली तब मुझे अन्वेष ने पकड़ लिया। मुझ पे कोई शक ना आए, मैंने मेट्रन रमोला का फोटो मास्क लिया और डायन का गेटअप किया। आई नो इट्स ओवर, और अब मैं चैन से मर सकूंगी। चलिए पाठक साहब, कांग्रेचुलेशन, एक और केस आप जीत गए। अब बोल दीजिएगा द डिफेंस रेस्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं प्रोसेस, अभी भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जो आपने तो अपराध स्वीकार कर लिया प्राची, मैं अपनी जानकारी के लिए आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो जनरेटर है, ये पहली जो तीन हत्याएँ हुई थी उनमें आप इसे वहाँ घटनास्थल पर नहीं लेकर गई थी? क्योंकि इस बार तो घटनास्थल पर इस जनरेटर के पहियों के छाप थे, निशान थे, लेकिन पहली तीन बार नहीं थे। क्यों क्यों नहीं थे? वो पहली तीन बार जनरेटर को मैं ही उठा के लेके गई थी। अच्छा, आप इस जनरेटर को, इस जनरेटर को आप उठा कर लेकर गई थी घटनास्थल पर, इस बार आप घसीट कर लेकर गई ताकि जनरेटर की जो पहिए हैं उनके छाप वहां रह जाए। तो ये बताइए कि हत्या के पश्चात आप इस जनरेटर को कहाँ अपने कक्ष में रखती थी, कहाँ कहाँ छुपाती थी? हॉस्टल के वेयरहाउस में। कितनी दूरी पर है वो हॉस्टल से? आई थिंक नहीं, निश्चित रूप से बताइए। 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी तक आप इसे उठाकर वहां ले जाती थी, तो 5-10 मिनट तो आपको लगा ही होगा उस समय, है ना? हाँ, उतना ही लगता है। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आग्रह करूंगा एक बार प्राची जी से कि वे कटघरे से बाहर आए और हमें एक बार ये जनरेटर उठा कर देखा। अनुमति।
आई जी। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप घटना के समय, घटना के पश्चात, हत्या के पश्चात आप उठाकर ले गई थी, इसे उठाकर वहां जज साहब के पास ले जाए। उठाइए। उठाए आपने कहा था कि आपने उठाया था इसे और 500 मीटर की दूरी थी, आपने वो दूरी तय की लाने ले जाने में। साइलेंस। बस 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 छोड़ दीजिए सर। आप प्रयास करना चाहेंगे भाई? क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे उठाएं। आइए उठाइए। छोड़ देते हैं। आइए प्राची जी, आप कटघरे में आइए। योर ऑनर, जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ। मैं मानता हूं कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सब ये संकेत देते हैं कि हत्या प्राची ने की। कई बार हमने देखा है योर ऑनर की जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, वो रूपित भी किए जाते हैं। मुझे संदेह था कि ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर इस अवसर पर भी। तभी जब प्राची जी ने कहा कि आप 150 किलो से अधिक वजन का ये जनरेटर 3 बार उठाकर लाई और उठाकर 500 मीटर दूरी पर ले गई, तो मुझे संदेह हुआ कि कैसे आपने ये किया। तो स्पष्ट है अभी प्राची जी कि ये जो साक्ष्य जो हैं ये रोपित किए गए थे वहाँ, ताकि आप जो पूर्व किए गए 3 हत्याएं उनका भी आरोप आप अपने सर ले लें। ऐसा क्यों किया आपने, कृपया बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे खून मैंने ही किए हैं और मैंने ही जनरेटर को उठाया था। योर ऑनर, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ अदालत में कि प्राची झूठ बोल रही है। आज मैं सब कोर्ट में नर्वस हूँ इसलिए, वरने सारे शॉट्स मैंने ही दिए हैं। कातिल मैं ही हूँ। जज साहब प्लीज प्लीज मुझे ही फांसी दीजिए। मैंने ही कत्ल किए। मैं आपकी बात से सहमत हूं केडी, असली सीरियल किलर कोई और ही है। फिलहाल ये अदालत प्राची पांडे को कविता राठौड़ के कत्ल के इल्जाम में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस को ये हिदायत देती है कि असली सीरियल किलर को फौरन पकड़ा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स सर, यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिली और जय नाम के बंदे के बारे में पता चला जो अंधेरी में रहता है, तो उससे शायद हमें कुछ मदद मिल सकती है। पता लगा कि ये जय कौन है और उसे तुरंत ऑफिस लेकर जी। आई टेल यू केडी, तुमने वो प्राची को 4 मर्डर्स के सेंटेंसिंग से बचाया है, पर वो बहुत वियर्ड छोकरी है। उसने मर्डर नहीं किया है पर तो भी वो बोलती है कि मैंने मर्डर किया है। गॉड नोस वो किस क्रिमिनल को बचाना चाहती है। हाँ, मुझे तो लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बिली। मैंने देखा उसके हाथों पर रोंचे, ऐसा प्रतीत होता है कि एक नहीं अनेक बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, निकला ही काट कर। केडी सर, ये जय आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। प्राची, तुम जो हो जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। प्राची, मुझे लग रहा है कि अब तुम अपना कथन परिवर्तित करना चाहोगी, और अगर ऐसा करो, अदालत में सत्य बोलो तो अच्छा होगा। संभवतः न्यायाधीश महोदय तुम्हारा दंड कम कर दे। मैंने असली कातिल को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद लटकना था फांसी से। साइलेंस इन द कोर्ट। क्या ये तो पागल लगती है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं क्रॉनिक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। कोई मुझे गवार बुलाता, कोई मुझे बहन जी बुलाता, और हर समय मेरी मजाक उड़ाते।
फ्रेंड्स और कजन्स तो दूर हो ही गए थे, और जब एक सच्चा जीवन साथी मिला, उसके पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं क्यों जीती? प्राची, दुर्भाग्यवश ये जग ही हमारा कुछ ऐसा है, भले लोगों के साथ कभी भलाई नहीं होती। जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ, अपनी कलाई एक बार न्यायाधीश महोदय को दिखाएं। योर ऑनर, यही कारण था कि अनेक बार प्राची ने अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु सौभाग्यवश ये सफल नहीं रही। हाँ, मैं मरना चाहती थी, और इसलिए मैंने सोचा ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी तीन खून हुए थे, अगर कविता को भी उसी तरीके से मार दूं और सारे सबूत मेरे खिलाफ छोड़ दूं, तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे सजाएं सुनाई जाएगी और फांसी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सारे खून रमोना जी ने किए हैं, डायन के भेस में। योर ऑनर, अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। यहां भी कुछ ऐसा ही है कि जो दिख रहा था वो नहीं था, और जो है वो दिख नहीं रहा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस डायन को, जिसे इन व्यक्तियों ने देखा, उसे यहाँ अदालत में प्रकट करना चाहूंगा। What nonsense, KD? अब आप भी इन बातों में यकीन करने लगे? विश्वास नहीं करता योर ऑनर, इसीलिए विश्वास से कह रहा हूँ। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर, बत्तियां बुझा दें, अदालत की रोशनी कम की जाए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। क्या था केडी? योर ऑनर, ये एक ऐसी तकनीक है, 3D होलोग्राम, जिसके द्वारा बिना पर्दे के ही हवा में योर ऑनर ऐसे दृश्य प्रकट किए जा सकते हैं जो वास्तविक लगे। और ये स्पीकर योर ऑनर, इस यंत्र के द्वारा डायन की ध्वनि की आवाज प्रकट हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही उन तीनों लड़कियों के साथ हुआ था जिनकी हत्या की गई। उनके सामने 3D होलोग्राम द्वारा रमोना जी का दृश्य का चित्र प्रकट हुआ, जिस कारण से उन्हें ऐसा लगा कि रमोना जी उनकी हत्या करने का प्रयास कर रही है, और वो उल्टी दिशा में भागी जहां असल हत्यारा है, उनकी हत्या करने की प्रतीक्षा कर रहा है। पाठक साहब, ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब जानकारी प्राप्त हुई हमें हत्यारे के घर से। हत्यारे को दंड दिलवाने के लिए हत्या का शस्त्र मिलना आवश्यक था यार, इसी कारण मेरे सहायक ने एक खेल खेला। तो ये है तुम्हारा मर्डर वेपन? हाँ योर ऑनर, ये है हत्या का शस्त्र, एक ऐसा शस्त्र जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, शॉक रॉड कहते हैं योर ऑनर। देश विदेशों में पुलिस फोर्स में इसका उपयोग होता है। वैसे तो सामान्य रूप से इसके अंदर से 40 या 50 वोल्ट ऊर्जा ही प्रकट होती है, किंतु इस रॉड हत्यारे ने ऐसी तकनीक डाली कि इससे अब 440 से ऊपर वोल्टेज की ऊर्जा प्रकट होती है। ओ, इसका मतलब हत्यारा बहुत ही टेक सेवी है। जी सरगांव करता, वो हत्यारा कोई गवार नहीं, और ना ही वो नारी है, पुरुष है, और जैसा कि आपने कहा, बहुत ही टेक सेवी है। आपकी अनुमति हो योर ऑनर, उसे अदालत में प्रस्तुत करो। अनुमति है। दवे जी, वहां का सुरक्षा कर्मी प्रवेश। तो असली कातिल तुम हो। गलती किसी और नहीं,
और भुगतना किसी और को पड़ो। ऐसे ही होता, प्यार कोई करता है और मिलता किसी और को। मैंने भी प्यार किया, शादी की एक बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की से। बाद में हमको एक प्यारी सी गुड़िया भी हुई। मैंने अपनी गुड़िया और अपनी पत्नी के फ्यूचर के लिए उनसे दूर सिंगापुर में एक एम्यूजमेंट पार्क के लाइट एंड साउंड डिपार्टमेंट में एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी की। दिन रात एक कर दी, यहां तक कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाता था ताकि उनके लिए पैसे बचा सकूं। लेकिन वो यहां देर रात तक पार्टी करती, शराब पीती और एक दिन किसी और के साथ छोटी सी गुड़िया को लेकर चली। लेकिन उसने जो मुझे दर्द दिया ना, उसे एक बात पता चला कि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी कारण आपने वहीं सिंगापुर में ही एक महिला पर अपना अत्याचार करना आरंभ किया, जिसके कारण सिंगापुर पुलिस ने आपको बंदी बनाया और दिनों बाद ही आपको सिंगापुर से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन बेचारे मर्दों को बचाने का आंदोलन मैंने बंद नहीं होने दी। मैं सिंगापुर से लौटते हुए शॉकिंग रॉड ले आया और बेवफा औरतों को ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकूं, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल में नाइट वॉचमैन की ड्यूटी कर। और उसके बाद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज, जिसका मैं एक्सपर्ट था। रही बात लड़कियों के बाल कुतरने की, तो मैंने उन लड़कियों के बाल इसलिए कुतरे, मेरी बेवफा पत्नी के बाल भी लंबे थे, उनसे मैं हाथ इसलिए जुड़वाता था ताकि उनके पापों की वो माफी मांग सके। और रही बात रमोला मैम की, तो रमोला मैम का चेहरा मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो भी मेरी तरह स्ट्रिक्ट और गलती करने वाले को पनिशमेंट मिले वो इसमें बिलीव करती थी। तो डिफेंस रेस्ट। ये अदालत रमोला महाजन को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और प्राची पांडे को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का आदेश देती है। यह अदालत अन्वेष को श्रुति, अंजू और माया के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज। कांग्रेचुलेशंस। Thank you, Salgaon.